नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्यू किचन रेसिपी विद सीमा में। तो आज मैं बना रही हूँ पोहे का बड़ा, जो कि पोहा, सूजी और आलू और दही चारों मिक्स करके मैंने बनाया है। तो चलिए इसकी प्रिपरेशन करते हैं। ये मैंने 1 कप पोहा लिया है, बिल्कुल पतली वाली पोहा है। इसमें आप कोई भी पोहा ले सकते हैं, लेकिन पतले वाले जो होते हैं ना, जल्दी मतलब फूल जाते हैं पानी में, तो इसलिए मैंने पतले वाला पोहा लिया है। इसमें मैं 2 कप पानी डालूंगी और उसके बाद 10 मिनट के लिए रेस्ट करने दूंगी, ताकि हमारा पोहा जल्दी से फूल जाए। दस मिनट हो चुके हैं, ये देखिए पोहा पूरी तरह फूल चुका है। अब हम इसमें 1 कप सूजी डालेंगे। सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, बारीक वाली या मोटी वाली कोई भी ले सकते हैं। 1 कप दही डालेंगे। 1 कसूरी मेथी डालेंगे क्रश करके। चिली फ्लेक्स डाल देंगे 1 टेबल स्पून। 1/2 टेबल स्पून हम डालेंगे अजवाइन, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें हम मिक्स करेंगे 2 बॉयल आलू। ये 2 आलू है, ये भी हम इसमें मिक्स करेंगे। आलू मैश कर देंगे इसमें। इसके बाद हम चारों को अच्छी तरह से बिल्कुल ही एक अच्छा सा डो तैयार करना है आटे की तरह। बॉल हमारा छोटा पड़ रहा है, तो बड़े बॉल में हम इसको ट्रांसफर करेंगे। काफी स्मूथ सा डो तैयार हो चुका है हमारा, ये देखिए। 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने देंगे। पांच मिनट हो चुके हैं, अब हम इनका लोई बनाएंगे, बॉल बनाएंगे। इस तरह हथेलियों पे तेल लगा लेना है, इसके बाद इस तरह बॉल बनाने हैं। इस तरह से बड़ा बना करके आप अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, टेस्ट भी काफी अच्छा है, जो बच्चे आजकल पसंद करते हैं उस हिसाब से ये बड़ा काफी मतलब उनके लायक तो काफी अच्छा है। ऑयली भी नहीं होता ये, बिल्कुल ही 1 से 2 चम्मच में ये तैयार हो जाता है, तो हमारे बच्चों के लिए भी काफी अच्छा है, फायदेमंद है। इस तरह से हमने बड़ा को तैयार कर लिया है। हमने जो ये डो बनाया था पोहे का, तो आधा मैंने ये एक रेसिपी तैयार कर लिया है। मैंने एक रेसिपी मैं आगे शेयर करूंगी आपसे, एक डो से मैं 2 रेसिपी शेयर करूंगी आपसे। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने 1/2 लीटर पानी डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें एक प्लेट रखूंगी जाली वाली, एक गर्म हो जाएगा, पानी उबल जाएगा। इसके बाद हम इसमें एक एक करके बड़ा को रखेंगे, स्टीम लगाना है हमें। जब तक पानी गर्म हो रहा है, तब तक हम इस बड़ा में बीच में छेद कर लेते हैं। किसी पेन के सहारे आप कर सकते हैं, कोई भी आपको इस तरह का मिलेगा सामान, उससे आप छेद कर सकते हैं, उंगली से भी कर सकते हैं आप।
देखिए तैयार हो चुका है, पानी भी बॉयल हो रहा है। अब हम एक एक करके प्लेट पे रख देंगे। पाँच मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए, घड़ी देखकर। इससे ज़्यादा नहीं ढकना, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। पाँच मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेंगे। ये देखिए पूरी तरह स्टीम हो चुका है, एक बार हम चेक कर लेंगे। ये देखिए चाकू में बिल्कुल लग नहीं रहा है ना, बिल्कुल स्टीम हो चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे प्लेट में। अब हम कढ़ाई में 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे, सरसों का तेल गरम हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें 1/2 टेबल स्पून हम डालेंगे जीरा, 1/2 टेबल स्पून हम डालेंगे राई का दाना और 1/2 स्पून हम डालेंगे सफ़ेद तिल। इसके बाद हम डालेंगे कड़ी पत्ता। तो ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें बड़ा को डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे पास्ता मसाला 1 टेबल स्पून। इसके बाद लास्ट प्रोसीजर हमारा, बारीक कटा हरा धनिया, और हमारा बड़ा तैयार हो जाएगा। इसे 3 से 4 मिनट तक इसे रोस्ट करना है और हमारा चटपटा सा नाश्ता तैयार हो चुका है। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ, रेड चटनी के साथ, सॉस के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ आप ले सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।